हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक पेट्रोकेमिकल्स, गेट केमिकल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट केमिकल टेक्नोलॉजी, टॉपिक पेट्रोकेमिकल कंटिन्यूड पार्ट सेकंड। तो लास्ट जो हमने टॉपिक कवर करा था वो इथेनॉल अमीन था, तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो इथेनॉल अमीन्स, तो इथाइलिन ऑक्साइड प्लस अमोनिया मोनो इथेनॉल अमीन, मोनो इथेनॉल अमीन प्लस अमोनिया डाई इथेनॉल अमीन, एंड डाई इथेनॉल अमीन प्लस अमोनिया गिव ट्राई इथेनॉल अमीन। तो रिएक्टर हम इसके लिए CSTR यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बाय नॉलेज के लिए बता दिया है। और एक्सोथर्मिक नेचर है इसकी, अमोनिया जो होगा वो एक्विशियस फेस में रहेगा, इथाइलिन ऑक्साइड जो रहेगा आपका वेपर फेस में रहेगा, ओवरऑल रिएक्शन गैस लिक्विड फेस में रहेगी। ओके, एंड इथाइलिन ऑक्साइड जो है यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इथाइलिन ऑक्साइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट हियर। इथेनॉल अमीन्स, इथेलिन ऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव मोनोथेनॉल अमीन, मोनोथेनॉल अमीन प्लस अमोनिया डाइथेनॉल अमीन, डाइथेनॉल अमीन प्लस अमोनिया गिव ट्राइथेनॉल अमीन। रिएक्टर CSTR एंड एक्सोथर्मिक नेचर है, अमोनिया एक्विशियस फेस है, इथेलिन ऑक्साइड वेपर फेस है, रिएक्शन गैस लिक्विड फेस है, इथेलिन ऑक्साइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट हियर। अच्छा, अब नेक्स्ट पेट्रोकेमिकल है हमारा क्यूमीन एंड एक्राइलोनाइट्राइल, क्यूमीन एंड एक्राइलोनाइट्राइल फ्रॉम प्रोपाइलिन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम किससे बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल क्या है इसका। तो क्यूमीन एंड एक्राइलोनाइट्राइल फ्रॉम प्रोपाइलिन, तो क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप, फॉर इसको मेमोराइज कर लेना आप कि क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी हम बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला है C6H5C3H7 फॉर क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इसका रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, तो बेंजीन प्लस प्रोपाइलिन गिव आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन, ये एक्सोथर्मिक है। कैटलिस्ट इसके लिए हम फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं, इम्प्रेगनेटेड कैटलिस्ट ऑन पोरस कैरियर। तो फॉस्फोरिक एसिड इसके लिए कैटलिस्ट है फॉर क्यूमीन के लिए, बेंजीन प्लस प्रोपाइलिन गिव क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। रिएक्शन सिंपल सी है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रेशर 25 एटमॉस्फेयर एंड 250 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है प्रोसेस का, फॉर आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन। ओके, अब आ जाते हैं एक्राइलोनाइट्राइल पर। तो जो रिएक्टर हम यूज़ करते हैं इसके लिए, फ्लूडाइज्ड कैटलिस्ट रिएक्टर यूज़ करते हैं, तो C3H6 प्लस अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव आपको एक्राइलोनाइट्राइल दे देता है, एंड वाटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर। प्रोपाइलिन रिएक्टेड विद अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव एक्राइलोनाइट्राइल, C3H3N प्लस वाटर, एक्सोथर्मिक नेचर है। स्टोकियोमेट्रिक रेशियो है इसकी C3H6 अमोनिया एंड ऑक्सीजन 1:1.5। प्रोपाइलिन अमोनिया एंड ऑक्सीजन की जो रेशियो है 1:1.5, मतलब प्रोपाइलिन अमोनिया एंड ऑक्सीजन की ये रेशियो है। प्रेशर रहेगा 1.5 से 3 एटमॉस्फेयर का, टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेल्सियस है। कैटलिस्ट मोलोबेंडिनम एंड बिस्मिथ, MO स्टैंड्स फॉर मोलोबेंडिनम एंड BI स्टैंड फॉर बिस्मिथ कैटलिस्ट। तो ये होगी एक्राइलोनाइट्राइल की डिटेल। बस आपको रॉ मटेरियल याद रखना है कि भाई कौन से, अगर आप इसकी रिएक्शन प्रैक्टिस करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, रिएक्शन बस आपको लिखनी है, और रिएक्शन से ही आपको सारे रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो जाती है और दिमाग में बना रहता है, और कैटलिस्ट रिस्पेक्टिव कैटलिस्ट बस। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ऑक्सो प्रोसेसिंग पे, कि ऑक्सो प्रोसेस में आपको बताया था कि अल्कोहल्स वगैरह प्रोड्यूस करने में काम आता है। इन्वॉल्व रिएक्शन बिटवीन, ये इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है कि ऑक्सो प्रोसेस में क्या क्या होता है। इन्वॉल्व रिएक्शन बिटवीन ओलिफिन्स एंड सिंथेसिस गैसेस, ओलिफिन्स और सिंथेसिस गैस के बीच में रिएक्शन होता है, एट हाई प्रेशर टू यील्ड एल्डिहाइड्स। द एल्डिहाइड्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस, जब हम एल्डिहाइड का हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, मतलब वाटर ऐड कर देते हैं, तो वो क्या करता है, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग चेन एल्कोहल्स हमें दे देता है। तो ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है कि ओलिफिन्स और सिंथेसिस गैस का रिएक्शन होता है हाई प्रेशर पे, उससे हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड्स, और जब एल्डिहाइड्स के अंदर पानी मिला देते हैं, मतलब हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो हमें शॉर्ट और लॉन्ग चेन अल्कोहल्स दे देता है। ये हो गया हमारा
ऑक्सो प्रोसेस। तो ऑक्सो प्रोसेस में हमारा क्या क्या रहता है, इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्डिहाइड अक्रॉस डबल बॉन्ड, हैंस द नेम हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन। हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन होती है इसके अंदर। इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ SCHO अक्रॉस अ डबल बॉन्ड। तो प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है इसका ऑक्सो प्रोसेस का, वो एल्डिहाइड होता है, ठीक है, विद वन एडिशनल कार्बन एटम। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वो मैंने नोट्स बनाए हुए थे तो मैंने उस टाइम इसको लिख लिया था जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो इसमें हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन होती है ऑक्सो प्रोसेस के अंदर। प्राइमरी प्रोडक्ट इसका एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड ग्रुप CHO में बी हाइड्रोजिनेटेड टू गिव एल्कोहल्स और ऑक्सीजनेटेड टू गिव एसिड्स। यस, स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज एल्डिहाइड हाइड्रोलाइसिस। तो एल्डिहाइड ग्रुप में भी हाइड्रोजिनेटेड टू गिव एल्कोहल्स और ऑक्सीजनेटेड टू गिव एसिड्स। वो मैं वही कंफर्म कर रहा था जब पीछे देख रहा था कि वो हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोजिनेटेड। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन एटम ऐड करना। तो अगर हम एल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन एटम ऐड कर देंगे तो वो एल्कोहल्स भी देगा और ऑक्सीजनेट करने पे हमें ये एसिड्स भी देगा। तो ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि एल्डिहाइड के अंदर अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो हमें एल्कोहल दे देता है, और ऑक्सीजन उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो वो एसिड्स दे देता है, ठीक है। तो ऑक्सो प्रोसेस देख लेते हैं ये हमें क्या क्या देता है। शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन एल्डिहाइड्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन एसिड्स। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन्स जो एल्डिहाइड मिलते हैं उस प्रोसेस को हम डाइमराइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इज डाइमराइजेशन। शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स मिलते हैं वो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हो गया। शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन जो एसिड्स हो गए वो ऑक्सीजनेशन हो गया। ओके, शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन एल्डिहाइड, शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन एल्कोहल, शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन एसिड्स। तो डाइमराइजेशन, हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीजनेशन। तो प्राइमरी प्रोडक्ट है ऑक्सो प्रोसेस का एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को अगर हम हाइड्रोलाइज कर देंगे तो वो हमें अल्कोहल देता है, और अगर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो भी हमें वो अल्कोहल देगा, ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वो एसिड्स देगा। रिएक्शन एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं ये इसकी। तो इसमें कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं कौन सा ऑक्सो प्रोसेस के अंदर, कोबाल्ट साल्ट सच एज कोबाल्ट नेपथेट। कोबाल्ट नेप्थेनेट बस आपको याद रखना है कि कोबाल्ट सॉल्ट हम यूज़ करते हैं ऑक्सो प्रोसेस के लिए, सच एज कोबाल्ट नेप्थेनेट। और प्रेशर 100 से 400 एटमोसफियर है, टेम्परेचर 100 से 200 डिग्री सेल्सियस का है, एक्सोथर्मिक है, रिएक्टर पैक बेड यूज़ करते हैं। अच्छा, अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग कैटलिस्ट बताए हुए हैं यहाँ पर। डाइमरेशन रिएक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं जिंक सॉल्ट, टेम्परेचर मॉडरेट है, हाई प्रेशर है। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं निकल। ऑपरेटिंग कंडीशन है 100 एटमॉस्फेयर एंड 150 डिग्री सेल्सियस। तो डाइमरेशन प्रोसेस के लिए हम जिंक सॉल्ट, हाइड्रोजिनेशन के लिए हम निकल यूज़ करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा एंड होता है। अच्छा, और हम बात करते हैं दूसरे उसके पेट्रोकेमिकल्स की। ब्यूटाडीन, अब हम बात करते हैं ब्यूटाडीन। बेसिकली हमने जो देखा होगा, ब्यूटाडीन नाम भी सुना होगा, तो जैसे हम च्युइंग गम चबाते हैं तो उसके अंदर स्टेरिन ब्यूटाडीन रबर होता है, सिंथेटिक SBR, उसके अंदर हमारा ये रबर होता है जो च्युइंग गम के अंदर यूज़ करते हैं। और SBR का जो प्लांट लगा हुआ है, ये हमारा पानीपत में भी इसका SBR, वहाँ पर सिंथेटिक आपकी जो रबर बनती है, क्या कहते हैं, ये स्टेरिन वहाँ प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर सिंथेटिक ब्यूटाडीन रबर। SBR स्टैंड्स फॉर
सिंथेटिक ब्यूटेडाइन रबर। ओके, तो केमिकल जो इसका फॉर्मूला है ब्यूटेडाइन का, CH2CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसके सिंथेसिस प्रोसेस हैं डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटेन, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटाइलिन, डीहाइड्रोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, स्टीम क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ब्यूटाडीन का जो केमिकल फॉर्मूला है CH2CH.CH2, सिंथेटिक जो सिंथेसिस प्रोसेस है वो डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटेन, जो कि USA प्रोसेस है, गिव हाई यील्ड DEA जो USA के अंदर हम यूज़ करते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटेन USA प्रोसेस गिव हाई यील्ड, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटाइलिन, डीहाइड्रोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल जो कि इंडियन प्रोसेस है, डिहाइड्रोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इंडियन प्रोसेस है, स्टीम क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो बात कर लेते हैं हम पहले इंडियन प्रोसेस की जो हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो डिहाइड्रोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल केमिकल रिएक्शन है। पहले हम डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे इथेनॉल के अंदर से, हमने इथेनॉल कन्वर्टेड टू एसिटाल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, एल्कोहल में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो एसिड हमें एल्डिहाइड मिल गया, जो कि हमने ऑक्सो प्रोसेस के अंदर भी देखा था, जब एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वो एल्कोहल्स देता है। अब यहाँ पे इसका रिवर्स है, डिहाइड्रोजिनेशन एल्कोहल में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो एल्डिहाइड्स मिल गए। कैटलिस्ट हम इसके लिए यूज़ करते हैं क्रोमियम और मोलिब्डेनम एक्टिवेटेड विद कॉपर, और फिर हो जाएगा डिहाइड्रेशन। एल्डिहाइड्स का हम क्या कहते हैं एल्कोहल्स, और सेकंड प्रोसेस है जो इसका है डिहाइड्रेशन, एल्कोहल्स प्लस एल्डिहाइड्स गिव ब्यूटाडीन इन वाटर। फिर यहाँ पर इसका डिहाइड्रेशन हो गया और फिर हमें ये ब्यूटाडीन हमें ऑब्टेंड हो गया, एल्कोहल एल्डिहाइड्स गिव ब्यूटाडीन प्लस वाटर, कैटलिस्ट टेंटला सिलिका, ये डिहाइड्रेशन कैटलिस्ट है, टेंटला सिलिका इज डिहाइड्रेशन कैटलिस्ट। ओके, तो इंडियन प्रोसेस के अंदर हम डिहाइड्रोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन करते हैं एथेनॉल का। तो डिहाइड्रोजिनेशन में हमने एल्कोहल के अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो एल्डिहाइड्स बन गए, उसके लिए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं क्रोमियम और मोलिब्डेनम एक्टिवेटेड विद कॉपर। डिहाइड्रेशन फिर होता है उसके अंदर, तो जो हमारा इथेनॉल है फिर उसको एल्डिहाइड के साथ हमने रिएक्शन करा दिया, फिर वो ब्यूटाडीन हमें ऑब्टेंड हो जाता है वाटर, डिहाइड्रेशन प्रोसेस, कैटलिस्ट टेंटला सिलिका, डिहाइड्रेशन कैटलिस्ट है। सेकेंड प्रोसेस है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटेन, जो कि एक USA प्रोसेस है, USA प्रोसेस इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटेन, USA प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन है आपका, ये हमें ऑब्टेंड हो जाता है ब्यूटेन, यहाँ पे रिफाइनिंग गैस से C4H10 गिव ब्यूटाडीन एंड हाइड्रोजन गैस। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन हमें रिफाइनरी गैस से मिल जाता है, जब रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की तो वहाँ पे C4H10 हमें मिल जाता है रिफाइनरी गैस से, और फिर ये हमें ब्यूटाडीन दे देती है विद एवोल्यूशन ऑफ टू हाइड्रोजन गैस, 2H2O। तो क्रूड जो हमारा ब्यूटाडीन है इस प्यूरिफाइड बाय CAA एब्जॉर्प्शन, CAA स्टैंड्स फॉर क्यूपरस अमोनियम एसीटेट, क्रूड ब्यूटाडीन इज प्यूरिफाइड बाय CAA एब्जॉर्प्शन, CAA स्टैंड्स फॉर क्यूपरस अमोनियम एसीटेट, फॉलोइंग एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन विद परफ्यूरल और एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन विद अमोनिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटेन USA प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन C4H10 गिव ब्यूटाडीन एंड हाइड्रोजन गैस, क्रूड ब्यूटाडीन इज प्यूरिफाइड बाय CAA एब्जॉर्प्शन, CAA स्टैंड्स फॉर क्यूपरस अमोनियम एसीटेट, फॉलोइंग एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन विद परफ्यूरल और एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन विद अमोनिया। स्टेरिन, तो
फॉर्मूला उसका यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेट्रोकेमिकल की, तो स्टेरिन फार्मूला है बेंजीन सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू। फर्स्ट प्रोसेस है, हम इसके अंदर क्या करते हैं, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। तो स्टेरिन का जो केमिकल फार्मूला है इधर आप देखिएगा, यहाँ पे बेंजीन सी एच इज डबल बॉन्ड सी एस टू। फर्स्ट प्रोसेस है एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पे एथाइलिन रिएक्ट हो रहा है बेंजीन के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड के साथ सी एस टू सी एस थ्री मिल गया। फिर डीहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, जो इथाइल बेंजीन हमें बनता है वो, फिर उसके लिए हम टेन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो स्टेरिन का केमिकल फार्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है। फर्स्ट प्रोसेस में हम इसके एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन करते हैं। हमें क्या कहते हैं, ये इथाइल बेंजीन मिल जाता है आफ्टर एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन के जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड। फिर उसका हम डिहाइड्रोजनेशन करा देते हैं इथाइल बेंजीन का। इथाइल बेंजीन का डिहाइड्रोजनेशन होते के साथ ही हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि स्टेरिन यहाँ पर शो हो रहा है विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। तो डिहाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट है टिन ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, और एल्काइलेशन के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड। तो जो क्या कहते हैं, हम ये स्टेरिन बनाते हैं, इसके जो हमारा सिंथेटिक रूट है वो है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन एंड हाइड्रोजनेशन एंड डीहाइड्रेशन ऑफ एसीटोफिनॉन। तो यहाँ पर जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि डीहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। तो जो हमारा स्टेरिन प्रोड्यूस होता है वो डीहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन से हम प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन एंड डीहाइड्रेशन ऑफ एसीटोफिनॉन, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि कर भी सकते हैं नहीं भी, बट अगर पता रहेगा तो प्लस ही आपके लिए। हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रेशन ऑफ एसीटोफिनॉन एंड इम्पॉर्टेंट इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। इसके अंदर जो जो हमारा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन होता है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एल्काइलेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, इसके अंदर दो स्टेप फेवर होते हैं। एल्काइलेशन के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड, एंड डिहाइड्रोजनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं टेन ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड एंड ओके। और लास्ट हमारा जो पेट्रोकेमिकल है वो है फैथेलिक एनहाइड्राइड। द लास्ट पेट्रोकेमिकल इज फैथेलिक एनहाइड्राइड। फार्मूला आपके ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इसका केमिकल फार्मूला है। तो सिंथेटिक प्रोसेस जो है इसका नेप्थेलिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और एक होता है ओजाइलिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसमें हम दो प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं। तो फैथेलिक एनहाइड्राइड फार्मूला आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये इसका केमिकल फार्मूला है। फैथेलिक एनहाइड्राइड सिंथेटिक प्रोसेस आर नेप्थेलिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस और ओजाइलिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस देख लेते हैं, नेप्थेलिन कि ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिल जाता है, ये फैथेलिक एनहाइड्राइड। तो नेप्थेलिन एयर वेंडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट 400 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे हमें फैथेलिक एनहाइड्राइड मिल गया। सो सिंपल। और जो सेकंड प्रोसेस है वो है ओजाइलिन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ओजाइलिन है, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, V2O5 वेंडियम पेंटाऑक्साइड आपका कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, और फैथेलिक एनहाइड्राइड हमें ऑब्टेन हो गया विद एवोल्यूशन ऑफ वाटर एज बाई प्रोडक्ट। तो फैथेलिक एनहाइड्राइड केमिकल फॉर्मूला इज हियर, और दो प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, नेप्थेलिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस से मिलता है और ओजाइलिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस से मिलता है। तो ये याद रखिएगा सिंपल कि इसमें ऑक्सीडेशन होती है फैथेलिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए, नेप्थेलिन की और ओजाइलिन की हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो पहले प्रोसेस में जो हम नेप्थेलिन की ऑक्सीडेशन कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ दोनों के कैटलिस्ट सेम है, वेंडियम पेंटाऑक्साइड ही है, नेप्थेलिन यहाँ पे स्टॉकीमेट्री इसकी वो दे दी है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स मोल्स इसमें रिएक्ट हो रहे हैं, फैथेलिक एनहाइड्राइड हमें मिल गया विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड दूसरे प्रोसेस में ओजाइलिन की ऑक्सीडेशन कराते हैं, वो हमें फैथेलिक एनहाइड्राइड दे देता है। तो ओजाइलिन का केमिकल फॉर्मूला इज ये है।
तो ये हमारा टॉपिक पूरा कवर हो गया पेट्रोकेमिकल्स का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।